सभी को नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। अब हम हमारे चक्र सिस्टम में से अगली चक्र जो है आज्ञा चक्र, उसी को ब्रो चक्र बोलेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों, राइट। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे नीचे मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र, फिर तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत और फिफ्थ विशुद्धा, सिक्स्थ आज्ञा चक्र, थर्ड आई ब्रो चक्र, राइट। ये इंडिगो कलर का है दोस्तों। अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये आज्ञा चक्र हमारा सिक्स चक्रास में से सिक्स्थ चक्र जो है वो आज्ञा चक्र हमारा दोनों आईब्रो के बीच में रहती है दोस्तों, दोनों आईब्रो का बीच में रहती है, यहाँ पे इसी को थर्ड आई बोलते हैं। इसका कोई तत्व नहीं है, ये आदि भौतिक चीजों को दर्शन कर पाती है। मतलब इस भौतिक जीवन का जो मेन इसका आदि कहाँ है, जो मेन इसका शुरुआत कहाँ है, प्रारंभ कहाँ है, उन सब को देख पाती है। ये उतना सामर्थ्य है इसमें दोस्तों। आज्ञा चक्र मीन्स आज्ञा की मतलब ही आदेश करना और ग्रहण करना, पाना, चीजों को एब्जॉर्ब करना। इस स्थिति में शक्ति सामर्थ्यों को विजन्स के द्वारा सहज अंतर्बोधन, अपनी भीतर के ज्ञान से नेचुरल तरीके से ये उभर के आती है दोस्तों। अपनी अंतर आत्मा से जो मैसेजेस है उनको लेना, हमारा चेतना स्थिति में विस्तार होना, उन्नत स्थिति में आगे बढ़ने के लिए ये वाला चक्र की जो ऊर्जा साथ देती है दोस्तों, ये एक यथार्थ शक्ति का मूल है। हमारा यथार्थ क्या है, हमारा मेन अस्तित्व क्या है, उस मूल चेतना की जो मेन शक्ति है वो यहां से जुड़ी हुई है दोस्तों। हर चीज को विस्तृत एंगल में, मतलब बिग पिक्चर में देखने का सामर्थ्य हमें मिलेगा आज्ञा चक्र के द्वारा। विश्व में जो भी है उसको परिपूर्ण स्थिति में हम देख पाएंगे, परिपूर्ण तत्व में देख पाएंगे आज्ञा चक्र से। आज्ञा स्थिति में, आज्ञा चक्र की स्थिति में हम रहेंगे, यहां से हर चीज में परिपूर्णता के दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। बहुत सुंदर, इसको दिव्य चक्षु, तीसरी आंख भी बोलते हैं, और इसका गुरु चक्र या सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं दोस्तों। इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों की, तीन नाड़ियों की त्रिवेणी संगम, ये भी बोलेंगे। ये जो ये तीन नाड़ियों की त्रिवेणी संगम जो है, और ये जो आज्ञा चक्र हमारा सहस्रार से कनेक्टेड है। किताबों के द्वारा, कई सारे मास्टर्स के द्वारा जिस ज्ञान को हमने लिया, उस ज्ञान को, उस सत्य को अनुभव पूर्वक हम जानेंगे यदि हम आज्ञा चक्र में रहेंगे, आज्ञा चक्र के द्वारा दर्शन कर पाएंगे। किताबों के द्वारा जो ज्ञान लिया, मास्टर्स के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ज्ञान लिया, उसका दर्शन कर पाएंगे कैसा, अनुभव करके उस सत्य को अनुभव ज्ञान के द्वारा दर्शन कर पाएंगे दोस्तों। हम अपनी
सातों शरीर ऐसा जैसा देखेंगे चर्म चक्षु को क्या दिख रहा, एक फिजिकल बॉडी दिख रहा, लेकिन हमारा बॉडीज कितना है, टोटल 7 बॉडीज। आज्ञा चक्र के द्वारा हम अपने सातों शरीरों को देख सकते हैं, अपने नाड़ी मंडल को देख सकते हैं जिसमें प्राण शक्ति बहती है, उस नाड़ी मंडल को देख सकते हैं, नाड़ी मंडल की एनर्जी को देख सकते हैं, उसका अनुभूति पा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे जैसा कभी कभी कहीं शंखनाद नहीं बजती बट शंखनाद सुनाई देती, कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाद जो इस पूरा ब्रह्मांड में डिफरेंट सुंदर सा नाद म्यूजिक चलती है वो सुनाई देती है। यदि दूसरे को बोलेंगे कुछ म्यूजिक चल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बोलेंगे जिनकी जो आज्ञा चक्र में रहेंगे उनको सुंदर सा नाद म्यूजिक सुनाई देते हैं और दृश्य विजन्स दिखते हैं दोस्तों, सुंदर सुंदर विजन्स। कई बार आप बातों में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे विजन्स दिखेंगे, कहीं लोकों में प्रवेश कर पाएंगे, कहीं सारे सुंदर सुंदर दृश्य को देख पाएंगे, देखते हुए ब्रह्मानंद को पा सकते हैं दोस्तों। इस स्थिति में रहके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में क्या हो रहा है देख भी सकते हैं, वहां मास्टर से मिल भी सकते हैं, वहां का ज्ञान ला भी सकते हैं दोस्तों, राइट? तो इस शक्ति होने से ज्ञान, दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि सब कुछ पाएंगे दोस्तों। तो बेसिकली हमारा जो अंग है, यदि पूछेंगे हमसे कितना अंग बोलेंगे, ये दो बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो स्पिरिचुअलिटी में आए तो तीन बोलेंगे, लेकिन हमारा 5 अंग है। दो तो हो गया चर्म चक्षु जिसके द्वारा हम फिजिकली चीजों को देख पाते, और जो दूसरा है मनोचक्षु, जैसा पहले से हम किसी चीज को लेके बैठे, शिव जी ऐसा है, जटाल होगा ऊपर, स्नेक होगा, चंद्रमा होगा, स्नेक यहाँ होगा, चंद्रमा होगा, इस तरह की एक फिगर बनाया हमने शिव जी का लेके। तो जैसा हमने पहले से देख के एक फिगर मन में बिठाया वो ही दिखेगा, काली माँ ऐसा है, राम, लक्ष्मण, कृष्ण भगवान, जीसस, जैसे फोटोज में देखते हैं, तो वो दोबारा यदि दिख रहे तो वो मनोचक्षु से हम देख पा रहे। थर्ड में आएगा दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र जो है, उसमें जो हम नहीं देखा हो, जिस चीज को हम नहीं जानते, वो देख भी पाते हैं, अनुभूति पाते हैं उसका, उसको महसूस कर पाते हैं, और दिव्य बातों को, कई सारे चीजों को और दिव्य व्यक्तियों से मुलाकात हो पाते हैं, दिव्य जगहों से। क्यों बोल रही हूँ दिव्य, क्योंकि बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह ऐसा है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिव्य चक्षु के द्वारा ही देख पाते हैं दोस्तों। तो ऐसा ऐसा जगह में जाके दिव्य नेत्रों से हम देख पाते हैं, उस प्रदेश को हम महसूस कर पाते हैं, मास्टर्स को महसूस कर पाते हैं, उनके प्रकंपना को देख पाते, राइट? तो फोर्थ वन जो है ज्ञान नेत्र, राइट? तो एक नया चीज को जब देख रहे हैं, किसी भी नया वस्तु को पकड़ लिया, जैसे किसी चीज को कहीं पर भी गए, एक पत्थर आ गए पैरों में, तो पैर को यदि पकड़ा, पैर कब से है इस धरती पर, पूरा उसके अंदर मेमोरी क्या है, पूरा ज्ञान ले पाते हैं। कई सारे जैसे क्रिस्टल्स भी होते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिस्टल्स, ये सब चीजें, तो किसी भी वस्तु को यदि पकड़ेंगे, उस वस्तु का अंदर छुपा हुआ ज्ञान को पा लेते हैं, ये ज्ञान नेतृत्व द्वारा, और उसके संबंधित पूरा मैसेज हम निकाल सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो वो है ये ज्ञान चक्षु से पॉसिबल है दोस्तों। और पांचवा जो है वो चैतन्य नेत्र,
यस चेतना, मूल चेतना से शुरू होके अभी तक जो चेतना है पूरा उसके बारे में जानकारी को हम ले पाएंगे यदि हमारे पास चैतन्य नेत्र होगा तो। इस तरह की पांच नेत्र है हमारे पास। जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से यदि खुल जाएगा, जो वास्तव में क्या हो रहा है उस वास्तव को वास्तव जैसा देख पाएंगे। एक्चुअली अब होता कुछ और है, हम देखते कुछ और। जैसे घर पे कोई हमें कुछ बोल के गए, लड़ाई हुआ कुछ, तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनको दुश्मन जैसा देखते हैं। जितना हम अपने जीवन में दुश्मन समझ रहे हैं वो सबसे बड़ा दोस्त है, ये सत्य है। तो ये सत्य कब जानेंगे? जब बिग पिक्चर देखेंगे, उस घटना के पीछे क्या छुपा हुआ है सीखने का, सिखाने का। तो और सोल प्लानिंग को समझेंगे, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट को समझेंगे, तब समझ में आ जाएगा। तो बिग पिक्चर में देख पाएंगे चीजों को, राइट? मेन रीजन को भी समझ पाएंगे, तो अपने सोच विचार में फिर फर्क आएगा। पहले हम दूसरे को दुश्मन समझ के सोच विचार करते हैं, उनको जजमेंट करके, कंप्लेंट करके, उनको इतने ही लेवल में सोच के वहीं पे फंसे रहते हैं। अब बिग पिक्चर देखने के बाद हमारा सोच विचार बढ़ेगा, उतना ही हाई लेवल का होगा। तो हमारा ऑटोमेटिकली सोच विचार बढ़ गया तो हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, हमारा लक्ष्य भी उसी लेवल का होगा, तो आगे बढ़ेंगे। ये भौतिक जीवन का और आध्यात्मिक जीवन का बीच का ब्रिज है दोस्तों, भौतिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का बीच का ब्रिज है। जैसा अनाहत में है, क्या बोला? अनाहत, आहत मतलब साउंड, अनाहत नो साउंड, साइलेंस। जैसा अनाहत में है तो मौन में रहेंगे, विशुद्ध स्थिति में ज्ञान के साथ रहेंगे, शुद्धिकरण हो गया तो ज्ञान के साथ रहेंगे, और आज्ञा स्थिति में उस ज्ञान के साथ ध्यान करते हुए, ज्ञान पाते हुए, उसी ब्रह्मानंद अनुभव के साथ जिएंगे दोस्तों, राइट? जब कोई कर्मा नहीं है, कर्म सिद्धांत नहीं है, कर्मों में यदि हम अपने आप को बांध के नहीं रखा, सभी कर्म बंधन से मुक्त हो गया, तो फिर क्या है उसके बाद? सत्य। उसी सत्य के लिए जो हमारा अन्वेषणा है इस आज्ञा चक्रा में लाके छोड़ेगी दोस्तों। आज्ञा चक्रा में जब हम पहुंचेंगे तब सत्य की ओर अन्वेषणा शुरू हो गया, तो इसलिए हम सब यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेन अस्तित्व के बारे में जानकारी, इस अस्तित्व का क्या जरूरत है, क्या है ये सोल, ये सोल जर्नी क्या है, शुरुआत क्यों हुई है, तो ये सब प्रश्न आते हैं ना। तो इन सब चीजों का, हमारा अस्तित्व के बारे में, उसके पीछे छुपा हुआ चेतना के बारे में और ध्यान के बारे में हम जानकारी लेंगे जब इस स्थिति में रहेंगे, तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाएंगे। मेरा और तुम्हारा, इन सब चीजों से मुक्ति पाएंगे और चैतन्य स्थिति हमारा ऊंचा रहेगा, स्वयं प्रकाश होते हुए और सच्चिदानंद में जो शाश्वत है, स्वस्वरूप अनुभव, मूल चेतना शक्ति का अनुभव को लेते हुए ज्ञान रूपी में अनुभव पाते हुए उसी सच्चिदानंद स्थिति में रहेंगे दोस्तों। शब्दों में बोलना कहीं बार मुश्किल हो जाता है, कई चीजों को खुद अनुभव करने से ही वो मजा आएगा, फिर भी प्रयास कर रही हूं। तत्वमसि, आप मैं सब कुछ एक ही है, ना तुम ना मैं, अलग अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। इस स्थिति में रह पाएंगे दोस्तों।
द्वंद्व नहीं रहेगा, द्वंद्व की प्रवृत्ति नहीं रहेगा। इस भौतिक शरीर में तो हूं, लेकिन एट द सेम टाइम पूरा विश्व में मैं व्याप्ति हूं। हर चीज में, हर जीवी में, हर इंसान में मैं ही तो हूं। इस ध्यान के साथ रहेंगे दोस्तों, सब कुछ मैं ही हूं, सब जगह मैं ही हूं, पेड़ पौधे में मैं ही हूं, सब जानवर में मैं ही हूं, मछली में मैं ही हूं, हर जगह मैं ही हूं। इस पूरा जागृत के साथ, अवेयरनेस के साथ, हर जगह मैं हूं, क्योंकि मेरे में परमात्मा, सभी जगह परमात्मा, सभी परमात्मा मैं ही तो हूं। बस इसी दृष्टि में रहेंगे दोस्तों। और हमारा जो फिजिकल बॉडी में ये जो आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र, वो हमारा अंदर की जो पीनियल ग्लैंड उसके साथ कनेक्टेड है दोस्तों। कब सोना है, कब नींद आएगा, कब नींद से जागना है, इसको जो कंट्रोल करने वाला मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन को ये रिलीज करती है पीनियल ग्लैंड। इसकी जो आलोच मतलब ये जो ग्लैंड है हमारा सोच विचारों को भी बैलेंस करती है, हमारा मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, ये इन सब चीजों को भी ये कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है दोस्तों। अपना व्यक्तित्व को, आज्ञा चक्र जो है अपना व्यक्तित्व को बना के रखती है, अपनी पर्सनालिटी को बना के रखती है। नीचे की जो पांच है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, इन सब स्थितियों को आज्ञा चक्र जो है ये कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है दोस्तों, समस्थिति में रख पाती है। अपने भीतर की अंत प्रेरणा, अपार प्रज्ञा, इस केंद्र से प्रबल होती है। हमारा भीतर बहुत प्रज्ञा होती है, बहुत इंटेलिजेंसी होती है, अंतर प्रेरणा होती है, मेन ये सेंटर है इसके लिए। जब हम आज्ञा स्थिति में रहेंगे, आज्ञा चक्र की स्थिति में रहेंगे, हमारा जीवन में आध्यात्मिकता में बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे और हर पल आध्यात्मिकता बारे में ही बातें करेंगे। कोई भी कुछ भी बोल रहे होंगे, हम वापस वहीं आएंगे, फिर आध्यात्मिकता ही बातें करेंगे, उसके अलावा और छोटी छोटे बातें हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम एक स्थिति में पहुंचने के बाद सहज स्थिति में रहते हुए, मतलब कहीं इधर से लिया हुआ, इधर से लिया हुआ ज्ञान नहीं, अपना अंदर से उभरते हुए ज्ञान को दूसरे को सिखाते रहेंगे, पूरा अवेयरनेस के साथ रहेंगे दोस्तों, पूर्ण अवेयरनेस के साथ रहेंगे। और छोटे बच्चे के अंदर ये नेचुरली होती है, एक्टिवेशन में रहती है, ये छोटे बच्चे में थर्ड है, हमेशा एक्टिवेशन में रहती है। वो छोटे बच्चे कई सारे बातों को बताते हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं उनको। जिनकी आज्ञा चक्र फुल्ली खुला है उनको इवन इंडिगो चिल्ड्रन भी बोलते हैं। तो ये पूरा दिव्य चक्षु से रहते हैं, दिव्य चक्षु उसमें पूरा एक्टिवेट है। धीरे धीरे क्या होगा, उनकी उम्र बढ़ता जाएगा, सोसाइटी से, इधर से उधर से, फिर माइंड डेवलप होते होते फिर धीरे धीरे माइंड डोमिनेट करना शुरू करेगा, तरह तरह की भ्रम, भ्रांति, भय और सराउंडिंग्स का असर पूरा आएगा। तो पूरा भौतिक जीवन फिर डोमिनेट होगा, वो थर्ड आई की जो ऊर्जा है वो कम होता जाएगा, यही होते हैं। अदरवाइज बचपन में सभी बच्चे को ये एक्टिवेट रहते हैं। ये आत्मा के अंग बोला जाता है इस दिव्य चक्षु को, ये सभी को होता है। हम सोचते हैं थर्ड आई मतलब कौन, शिव जी बोलते हैं तो हम सब शिव ही है, हम सबके पास थर्ड आई है, तीसरा अंग है, सभी लोगों के पास है दोस्तों। कहीं लोग कभी कभी भ्रम में भी चले जाते हैं, कुछ और मनोचक्षु के द्वारा देख के भी लगते हैं ये मैं दिव्य चक्षु के द्वारा देख रहा हूं करके, तो थोड़ा सा क्लैरिटी का भी जरूरत पड़ेगा किसी किसी को। तो और आज्ञा चक्र स्थिति में और सहस्रारा की स्थिति में जो रहेंगे,
उनसे बहुत सुंदर मैसेजेस मिलते रहेंगे। कहीं बार कहीं सारे मैसेजेस देते हैं मास्टर्स आके, आज्ञा चक्र में सहस्रार स्थिति में रहना, उसको उस अनुभूति को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। दिव्य प्रेम भरा हुआ दोस्तों से मिल सकते हैं, उनसे काम कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे ज्ञान ला सकते हैं, ज्ञान ला के अपनी धरती पे जो फ्रेंड्स है उनको बांट सकते हैं। इससे बहुत मतलब बहुत सुंदर काम लगते हैं, ये वाला काम मुझे बहुत पसंद लगता है। तो जो तीसरी आंखों के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा जो मानव ज्ञान पाते हैं वो डायरेक्ट ज्ञान है, और इधर उधर से इनडायरेक्ट, इधर उधर से घुमा फरा के लिया हुआ ज्ञान नहीं है, वो डायरेक्ट ज्ञान है, राइट। बट इतना इजी नहीं है पाना, इतना इजी नहीं है। कितना जन्मों की यात्रा में उतनी रोशनी के साथ, यस कांति क्रांति के साथ जीवन बिताना होगा। कितना मैच्योरिटी चाहिए होगा, परिशोधन करना होगा, कितना ध्यान करना होगा, अपनी सोच विचारों को कंट्रोल करना होगा, देखना होगा, साक्षी भाव से रहना होगा, अपनी चेतना के विस्तार करना होगा, अपनी सृजनात्मक स्थिति, सृजन करने का स्थिति बढ़ाना होगा, तब भी ये सब पॉसिबल है दोस्तों। ये जन्म जन्मों का पूरा साधना है, एकदम से नहीं आएगा, एक दिन से नहीं आएगा, इसलिए भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे साधना करते रहना है, साधना साधना साधना, उसको ना भूलें, राइट। तो इतना जन्मों से हम दिव्य चक्षु से बहुत सारे ज्ञान को पाया और इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो वो जो हम ज्ञान पा रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, वो और हमारा थर्ड आई को और एक्टिवेट करती रहेगी। हम जितना थर्ड आई के द्वारा देखते जाएंगे उतना हमारा मेधा शक्ति बढ़ता जाएगा। और जैसा होता है ना, जैसे इधर उधर की जो ज्ञान कभी एजुकेशन से, इधर उधर से, सोसाइटी से मिला हुआ जो ज्ञान है, कभी कभी हम लोगों को अंधा बना देते, उसी को सत्य मान के बैठते हैं। जैसे हमारा कैस्ट रिलेटेड, रिलीजियन रिलेटेड, गुरु रिलेटेड, तो हम उसी को सत्य मान के बैठे हैं बचपन से, बदलाव के लिए तैयार नहीं हो पाते। लेकिन जैसे दिव्य चक्षु खुलेगा, उस अंधकार से बाहर आने का मौका मिलेगा दोस्तों, सब भ्रम जो है अपने आप मिट जाएंगे। तो इसलिए साधना करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, थर्ड आई मतलब सिर्फ थर्ड आई में देखना ही नहीं होता, ये बात समझना जरूरी है। कई लोग पूछते भी है वो कैसा दिख रहे हैं, ये कैसा दिख रहे हैं। तो थर्ड आई में किसी किसी को दिखता है, इसमें भी लेवल्स है, किसी किसी को दिखते हैं विजन्स, किसी किसी को सुनाई देते हैं शब्दों के द्वारा या उनकी प्रकंपना, कहीं सारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स सुनाई देते हैं, अलग अलग डायमेंशंस की साउंड्स सुनाई देते हैं। और किसी किसी को महसूस होती है, यस कोई आया तो उनकी, सेतु मास्टर आया तो उनकी प्रकंपना से पता चलेगा, यस ये सेतु मास्टर आए। आर्क्टोरियंस, प्लेडियंस, एंड्रोमिडंस, कोई भी हमारे अदर डायमेंशंस की मास्टर्स आते हैं तो उनकी प्रकंपना से पता चल जाते हैं। तो ऐसा लगेगा अरे कोई आके कुछ बोल के गए, तो आप थर्ड आई से सुन रहे हो। थर्ड आई मतलब जो आंख है सिर्फ देखने के लिए नहीं, आप सुन भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, ये विस्तार है। और बिना देखे भी वहां पे, मतलब देखना जो है एक पार्ट है, हम बिना देख के भी कहीं सारे बातों को उस स्थिति में रहते हुए समझ सकते हैं, राइट। तो हमारा फिजिकल बॉडी में आंख, जैसे आंख की रेटिना की जो लेयर होते हैं वो कान, नाक और मुंह, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनके साथ कनेक्टेड है दोस्तों।
उसमें ब्लॉक्स बनने का क्या कारण है? बनने का ये क्या कारण है? आध्यात्मिकता की एक कारण बना के, कई सारे कारण है उसमें से कुछ बात करेंगे, आध्यात्मिकता की कारण बना के हम अपनी फिजिकल रियलिटी से भागना नहीं, भागना चाहिए। इसलिए तो गौतम बुद्ध पितामह बोला है कि मध्य मार्ग में रहना है हमें, ना पूरा प्रापंचिकता ना पूरा आध्यात्मिकता, ऐसा नहीं, मध्य मार्ग में रहना है। आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान पाते हुए उस ज्ञान के साथ अपने जीवन को जीना है। कितना सुंदर, अज्ञान में रह के जीवन जियोगे तो दुख में जीवन जियोगे, आत्मज्ञान लेते हुए प्रापंचिक जीवन जिएंगे तो सुंदर में जीवन होगा। यही तो असली जीवन है, यही तो रियलिटी है। लेकिन यस, मैं ध्यान कर रहा हूँ सोच के यदि हिमालयास में चला गया, पूरा परिवार को छोड़ दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, वो नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है, फिर वहां पे ब्लॉक्स बन जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिकता की अहम आ गया और स्पिरिचुअल एस्केपिंग बोलते हैं इसको, वो भी आ गया। तो और आत्मा हूं मैं तो एक संपूर्ण आत्मा हूं, अनेक अनंत शक्ति है मेरे भीतर, यदि इसको भरोसा नहीं करूंगी ब्लॉक्स बनेगा। दोस्तों, हम अपने असली तत्व के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वहां पे ब्लॉक्स आ गया चक्र में, इसलिए तो ब्लॉक्स है। यदि आप यकीन करके तो देखो, आप आत्मा हो, हर पल में जीने की तैयार हो जाओ, फिर आपके आज्ञा चक्र में जितना ब्लॉक्स है अपने आप रिलीज हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा आपकी यात्रा। दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना हर चीजों के लिए, उससे भी ब्लॉक्स बन जाते हैं दोस्तों। और डिसिप्लिन में नहीं रहते हुए जीवन बिता रहे हो तो, और आदत जैसे धूम्रपान किया, दारू पिया, मछली को खाया, मांस को खाया, इस तरह की उल्टा सीधा खाना खाया जो हमारा शरीर के लिए ही नहीं बनी है, और ये इन सब आदतों की वजह से भी हमारा ये आज्ञा चक्र जो है वहां पे ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो हमारा इंद्रियों की कंट्रोलिंग ना होने के वजह से भी आज्ञा चक्र में ब्लॉक्स बन जाते हैं, इंद्रियों के ऊपर हमारा कमांड नहीं होने के वजह से भी। असत्य प्रकटन करने से मतलब जैसा अपने आप को ग्लैमर बनाने के लिए, इवन कहीं बार स्पिरिचुअलिटी में भी, स्पिरिचुअलिटी में ग्लैमर नहीं चलेगा दोस्तों। जितना सीख रहे हो, जितना आगे बढ़ रहे हो, उतना डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है, उतना ह्यूमिलिटी के साथ, उतना विनय विनम्रता के साथ रहना बहुत जरूरी है। ईगो आ गया तो हो गया, डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रापंचिक जीवन में भी और किसी भी बातों को असत्य धोरणी से हमने बातें बनाया हो, झूठ बोला हो, जो वास्तव नहीं है, उन चीजों को हमने चारों ओर फैला दिया हो और दूसरे के ऊपर भी इस तरह की बातों का असर डाल दिया हो, तो फिर ब्लॉक्स बनेगा। ये हम अब दूसरे के भी नुकसान करेंगे, ये ब्लॉक्स बन जाएगा दोस्तों। अननेसेसरी बातों से, अननेसेसरी सोच विचारों से, अननेसेसरी एक्शंस, वो क्या करेंगे, हमारा दिव्य दृष्टि का, दिव्य शक्ति का ऊपर पर्दे डालेंगे दोस्तों। फिर कहाँ देख पाएंगे हम, बिग पिक्चर को नहीं देख पाएंगे, फिर जो चीज जैसा है वैसे नहीं देख पाएंगे, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है लेकिन हम उसके ऊपर ऐसा धड़के मारे जैसे रस्सी को देख के सांप मान लिया, ऐसे ही कोई भी आपके साथ कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा होगा फिर भी लगेगा नहीं ये तो मेरे पीछे पीछे कुछ ऐसा प्लान कर रहा चीटिंग करने का, उस भय और भ्रांति मोह में माया में उसी लेवल पे जीवन जीते रहेंगे दोस्तों। तो जिएंगे तो फिर ब्लॉक्स बनेंगे, तो इस ब्लॉक्स बनने से क्या होगा, तो इसमें मानसिक तौर पर पूरा थकावट फील करेंगे, शक्ति का लॉस करते जाएंगे, पता ही नहीं चलता इतना ध्यान करते हैं ये शक्ति कहाँ जा रही है, वेस्ट हो रही है, शक्ति क्षीण होते जा रही है। और ऑपोजिट
अगेनिस्ट बातें, सोच विचार, नेगेटिव सोच विचार आते रहेंगे, प्रतिकूल भावना आते रहेंगे, सत्य को नहीं देख पाएंगे, फिर क्या करेंगे, और फिर बुरा कर्म करते जाएंगे, फिर उसका असर लेते जाएंगे। यही अंतर की घर्षण चलता रहेगा, इनर वार चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे भय है, डर है, कंडीशंस है, लिमिटेशंस है, सब चीज वहां बना हुआ है। वहां पे फिर बिहेवियर सही ढंग से नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं होगा, उल्टा पुल्टा जीवन जीते रहेंगे, तो छोटे छोटे चीजों में भी डरते रहेंगे। कौन सा निर्णय लेना चाहिए, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी डरेंगे, डिसीशन नहीं ले पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यही ये बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में होने से समर्थ नहीं रहेंगे, कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और रिलेशनशिप्स में कहीं सारे समस्या आते रहेंगे, और नींद में भी समस्या आएंगे, कहीं सारे मानसिक समस्या आएंगे, मतलब ऐसा कि लोअर एनर्जीज के साथ सरेंडर होके रहेंगे, स्वार्थ भाव से रहेंगे, हम अपने चारों ओर बाउंड्रीज खींच के रखेंगे, लिमिटेशंस खींच के रखेंगे, बस उसी लिमिटेशंस को ही अपना जीवन समझते जिएंगे, जैसा कुएं में बैंडक की तरह, उससे आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं करेंगे। दोस्तों हम यदि हमें कोई बताने उस समय ब्लॉक्स बना हुआ उस समय कोई आके हमें कुछ समझाने की कोशिश भी करेंगे, हम सुनने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, दूसरा कोई हमें एडवाइस भी देंगे ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, हम मानने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, हम रिजेक्ट करते रहेंगे। तो जीवन के प्रति कोई स्पष्टता नहीं होगा, कोई क्लैरिटी नहीं होगा, बस चल रहे तो चल रहे गड्डी, तो कोई जीवन का कोई मूल मूलता नहीं जानेंगे, वैल्यू नहीं समझेंगे, और हमेशा डर के साथ निराशा के साथ जिएंगे, और आंखों की रोशनी जो फिजिकल आंखें है उसका भी रोशनी कम होता जाएगा, और भौतिक शरीर में ब्रेन ट्यूमर्स और जैसा रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आना, दर्द आना ऊपर से नीचे तक, माइग्रेन हेडेक, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, जैसा थाई में, लोअर बैक में और जंगों में दर्द आना, तो इस हमारा इम्यूनिटी पावर कम होना, साइनसाइटिस जैसा ये कैविटीज जो है उसमें पस जमा होना, तो इस तरह की, और गंदा हैबिट्स, दारू पीना, धूम्रपान करना, इन सब समस्याओं से हम समस्याओं को फेस करना पड़ता है दोस्तों यदि आज्ञा चक्र में ब्लॉक्स बनने से। तो ये ओवर एक्टिव होने से क्या होगा, ओवर एक्टिव होने से जो मेमोरी लॉस होगा, कोई भी चक्र बैलेंस में रहना है, ना ओवर एक्टिव ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, कई लोग बोलते ना हाँ मैं एनर्जी देके आपका आज्ञा चक्र खोल रहा हूँ, मैं एनर्जी देके आपको विशुद्धि खोल रहा हूँ, वो तरीका नहीं है। आनापाना सति ध्यान करते हुए, इस तरह की ज्ञान पाते हुए, ज्ञान के साथ हम कॉन्शियसली कमांड देते हुए संकल्पों के साथ क्लियर कर सकते हैं अपने आज्ञा चक्र को हम खुद, ठीक है। तो ज्यादा उड़ जाने से क्या होगा, तो मेमोरी लॉस होगा और वो हालोक में जीते रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। रियलिटी जो फिजिकल रियलिटी है वो रियलिटी है, यहाँ जीवन जीना है, फिजिकल बॉडी में है तो यहाँ जीवन जीना है, लेकिन क्या होगा, इसको छोड़ के चारों ओर सपने देखते रहेंगे, बस वहीं रहने का पसंद करते रहेंगे, तो कभी कभी मति भ्रमण भी होता जाएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दिन में भी उधर उधर डे ड्रीम्स में भागते रहेंगे, और जो जैसा सोच रहे वैसा ना होने की वजह से निरुत्साह में जाएंगे। जो सोच विचार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, इन तीनों में कोई तालमेल नहीं होगा, बोलते कुछ और सोचते कुछ और करते कुछ और,
ऐसे ही होगा, एक अलाइनमेंट नहीं होगा, और वो तो होगा ही, आंखों का समस्या तो होगा ही है, भौतिक दोनों चर्म चक्षु में आंखों का समस्या होगा, तो मानसिक तौर पर भी कहीं सारे दिक्कतें आएंगे दोस्तों, एंग्जाइटी आएगा, इन मतलब कहीं सारे मानसिक रुग्मता, भय भ्रांति के साथ, और कोई भी छोटे छोटे सपनों से भी डरना, विचक्षणा से नहीं रहेंगे, विवेकी जीवन नहीं जिएंगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर अज्ञानता के साथ गाड़ी। तो ये समतुल्यता, समतुल्य में मींस बैलेंस में रहने से क्या होगा, अंतर अवबोध स्थिति, ये बहुत ही सुंदर स्थिति, और अपना दिव्य लोकों के साथ सुंदर सा कनेक्शन होगा दोस्तों, दिव्य लोकों को देख सकते हैं वहां से ज्ञान। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि दिव्य लोकों के साथ कनेक्ट होके वहां महान लोगों से अद्भुत ज्ञान ला सकते हैं, मानवाली को दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर सा काम लगता है मुझे ये काम। तो अपने भीतर का ज्ञान खुलता रहेगा, हमारा मेधा शक्ति बढ़ेगा और मेमोरी पावर बढ़ेगा, हमेशा बैलेंस में रहेंगे, परिस्थितियां सभी के लिए हमेशा उछल पुछल चलता ही रहेगा, वो कोई भी महान आत्मा हो यदि फिजिकल शरीर में है इस धरती पे, तो उनके चारों ओर सभी का उथल पुथल चलेगा, लेकिन लेकिन जो आज्ञा चक्र में बैलेंस एनर्जी के साथ रहेंगे वो अपने जीवन में बैलेंस रहेंगे दोस्तों, अपनी भावनाओं को स्थिर रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, स्टेबल रख के समस्थिति में रहते हुए निर्णय लेंगे, समस्थिति में रहते हुए निर्णय लेने से वो सही निर्णय होगा, भागदौड़ करते निर्णय लेने से वो सही निर्णय नहीं होगा। वास्तव क्या है, भ्रम क्या है, दोनों का बीच का अंतर को देखेंगे, डिफरेंस देख पाएंगे, और उस डिफरेंस को देखते हुए जिंदगी जी पाएंगे, बहुत सारे सहन शक्ति होगा उसमें, और मेंटल हेल्थ बढ़ेगा दोस्तों इसमें, कि इस जीवन की यात्रा में दूसरे को बदलने का कोई जरूरत नहीं, ये समझ पाएंगे, दूसरे को बदलने का कोई जरूरत नहीं है, बदलना है तो किसको बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, जो इस सत्य को जाना वो है अपने आज्ञा चक्र में बैलेंस्ड है, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के साथ जीना शुरू किया, ये समझ लीजिएगा, तब तक ये आगे बढ़ना ही है दोस्तों, राइट। तो सत्य को जानना है, सत्य को जानते हुए सत्य को बताना है सभी को, सभी को सत्य प्रवचन देना है, सत्य बांधना है, शांति में जीवन जीना है, अपनी दिव्यता के साथ हर पल कंपैशन, प्यार, पेशेंसी के साथ जीना है दोस्तों। बैलेंस में जो दिव्य चक्र दिव्य नेत्र रहती है वो अंतर प्रेरणा, अंतर दृष्टि के लिए बहुत हेल्प करती है, राइट। अतींद्रिय, कहीं सारे अतींद्रिय इंद्रियों का बहुत पोटेंशियलिटी है, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, कई सारे जानवर एक चीज मिलेगी वंडरफुल मूवी देखेंगे, अतींद्रिय शक्तियों का बारे में कितना सुंदर तरीके से बताया गया, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, तो ये सब शक्ति क्या हम यूज नहीं कर सकते, प्रयास करने से यूज कर सकते हैं, तो ये तड़े खुलने से अतींद्रिय शक्तियां हमारा अंदर भी खुलेगा, हमारा भीतर जो दबा के रखा हुआ कहीं सारे चीजों को जो व्यतिरिक भावना अगेनेस्ट ऑपोजिट नेगेटिव थिंग्स सब रिलीज होके हम बहुत फ्री जिंदगी जी सकते हैं, अर्धवन मतलब एक सुंदर सा मीनिंगफुल लाइफ को आत्म साक्षात्कार देने वाला मीनिंगफुल लाइफ को जी सकते हैं दोस्तों,
आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं, राइट? इस स्थिति में जो इंसान रहेंगे, जिएंगे, उनकी हृदय में दिव्य ज्ञान हर पल प्रकाश होते रहेगा। अपनी दिव्य ज्ञान को खुद से ही, कोई प्रयत्न करने की उनकी जरूरत नहीं होते। जो इस स्थिति में रहने वाले को, उनकी हृदय में दिव्य ज्ञान ऐसा उभरते रहती है हर पल। किस वक्त उनके मुंह से क्या मैसेज आएगा हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर सा दिव्य ज्ञान उनकी मुंह से निकलता रहता है दोस्तों। तो एक मानव की भीतर छुपा हुआ जो करुणा शक्ति बाहर निकलती है, और उनके अंदर की जो शेड्स है, जो डार्कनेस है, वो सब अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे, क्या खाना है, क्या पीना है, इस समझदारी के साथ। और उनकी जो प्रवर्तना पूरा मानवाली के लिए एक गिफ्ट होगा। सभी प्राणी के साथ, सभी इंसान के साथ प्रेम से जिएंगे दोस्तों, और ऐसा काम करेंगे जैसा सबके लिए यूजफुल हो। हर बार काम करते रहेंगे क्योंकि उनका कोई थकावट नहीं है। हर बार मदद करने का सेवा भाव में रहेंगे, हर बार अवेयरनेस के साथ जिएंगे। तो इवन लेडीज में भी, जैसा जो मंथली का जो पीरियड्स है, वो बिल्कुल समस्थिति में रहेंगे क्योंकि वो आज्ञा चक्र द्वारा, नींद और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है दोस्तों। ये सब ग्लैंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो बिल्कुल बैलेंस में रहेंगे, तो उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। कब आज्ञा चक्र उत्तेजित रहती है, कब चैतन्य रहती है, ध्यान 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 के द्वारा हमेशा ध्यान करना है। ध्यान करने से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिव रहती है दोस्तों। और कभी कभी सर दर्द, कहीं कभी कभी सर में किसी भी ग्लैंड्स में एक्टिवेशन होती है तो दर्द का महसूस होती है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ना डरते हुए आगे बढ़ना है, और साधना में आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर सा एक स्थिति में पहुंच सकते हैं दोस्तों। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति पूरा अवेयरनेस के साथ काम करना है, राइट? उसको अवेयरनेस के साथ, उसको विश्लेषण करते हुए, क्या काम कर रही हूं, इसका क्या लाभ है, क्या चीज है, इस अवेयरनेस के साथ रहना होगा। तो उसको ध्यान से देखने से पूरा फोकस वहां जाएगा, जितना हम देख रहे हैं ऐसा जाएगा, तो धीरे धीरे इसका भी प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे। और दोनों आंख बंद करके ध्यान करने से ऑटोमेटिकली आज्ञा चक्र खुलेगा। सत्य के साथ जीना है, सत्य बोलना है, वास्तव के साथ जीना है। यस, अपनी आत्मशक्ति को यकीन करना है, हमारा आत्मा स्थिति में जीना है हर पल। तो हमारा माइंड में अल्ट्रा मेजर सेंटर, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब समस्थिति में रह के, समस्थिति में जब आएंगे तब हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट होगा दोस्तों। हमारा ब्रेन के अंदर अल्ट्रा मेजर सेंटर, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगा, तो आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट होगा दोस्तों। श्रवण शक्ति, दृश्य शक्ति, स्पर्श, इंद्रियों में प्रेम, कांति, क्रांति, रोशनी, इन सब की शक्ति प्रसरण होने से हर पल आध्यात्मिक साधना से और सेवा करने से, स्वच्छता के साथ, प्योर हार्ट के साथ कर्म करने से,
ये आज्ञा चक्र जो है सुंदर तरीके से चैतन्य होती है दोस्तों। अब जितना बातें कर रहे हैं तो उतना हेवी एनर्जीज फील भी कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सत्य भाषण हो रही है, सत्य के बारे में बातें हो रहे हैं, तो हायर लेवल की ध्यान की ज्ञान की बातें हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा बढ़ेगा ये जो सुन भी रहे हैं जो बोल भी रहे हैं। आत्म ज्ञान के साथ जो जी रहे हैं हम उनके साथ मिलते रहना चाहिए, उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए, उनसे सत्संग करते रहना चाहिए। और जैसा गुरु एनलाइटनमेंट मास्टर्स के साथ टाइम बिताना चाहिए, उनके सान्निध्य में ध्यान करना चाहिए, खुद ध्यान करते हुए दूसरे को ध्यान सिखाना चाहिए। ये सब करने से आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। हर शब्द में, हर सोच विचार में, हर काम में करुणा करुणा करुणा, कंपैशन, लव और क्षमा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तब ये चक्र शुद्धि होगा, सुंदर शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, आत्मा की तौर पर आगे बढ़ते हुए हमारी चेतना शक्ति, हमारा चेतना शक्ति सुंदर रूप से विस्तार होता जाएगा दोस्तों। अपनी असली अस्तित्व को जान पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सभी को आत्मवंदन।